अगर आप भी अपने फेसबुक पेज का कस्टम यूआरएल चेंज कराना चाह रहे हैं या फिर उसका यूजर नेम बनाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में जो है कि क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को जो ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद यहां पर सर्च बारे में आपको सर्च करना फेसबुक लॉगिन। फेसबुक जैसे ही लिखेंगे तो वहां पर फेसबुक लॉगिन सर्च करके आ जाएगा। उसके बाद उस पर आपको ओके करना है। इस पर जब ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर फर्स्ट वेबसाइट है देखो www.facebook.com फेसबुक लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगर आप पहले से फेसबुक से लॉगिन होंगे तो यहाँ पर फेसबुक का आपका जो है लॉगिन होकर आ जाएगा। तो अगर आप फेसबुक पेज से लॉगिन होंगे, अगर आप फेसबुक प्रोफाइल से लॉगिन होंगे तो यहाँ पर देखिए आपका आइकन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप जो है अपने पेज से लॉगिन हो जाना। यहाँ पर देखिए स्विच का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो स्विच पर जब ऐसे ओके करेंगे तो आप जो है यहाँ पर देखिए मैं पहले पेज से लॉगिन था तो अब मैं जो है स्विच होकर अपने प्रोफाइल से लॉगिन हो गया। तो अब मुझे अब पेज का जो है यूआरएल चेंज करना है, पेज का जो है यूजर आईडी बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए इस आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने प्रोफाइल के आइकन पर यहाँ पर कोने में क्लिक करेंगे जब तो यहाँ पर इस तरह का आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर गोल का राउंड एरो दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करना है। तो आप जैसे यहाँ पर देखिए स्विच होकर जो है आप अपने फिर जो है प्रोफाइल के जगह पेज पर लॉगिन होंगे। पेज से लॉगिन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर प्रोफाइल पेज का जो है आइकन दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मेरे पेज का नाम दिखाई दे रहा है, मेरे पेज का लोगो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए मेरे पेज का नाम अमन हाईटेक करके है। तो अब आपको यहाँ पर पेज के नाम पर क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइड में ही यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इनसाइड है और ऐड सेंटर है, क्रिएट ऐड है। यहाँ पर सबसे नीचे में सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सेटिंग ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए नेम आपके जो है पेज का नाम दिखाई देगा, अमन हाईटेक करके मेरे पेज का नाम है। तो आप अगर आप पेज का नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी यहाँ एडिट करके आप नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यूजर नेम यहाँ पर बता रहा है यू हैव नॉट सेट द यूजर नेम। तो अगर आप जब यहाँ पर यूजर नेम सेट करेंगे तो आपका कस्टम यूआरएल भी वही हो जाएगा जो आपने यूजर नेम यहाँ पर बनाएंगे, जो आप यूजर नेम यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको एडिट पर ओके करना है। एडिट पर जब ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए यह बता रहा है facebook.com योर यूजर नेम। तो अब यहाँ पर यूजर नेम एक यूनिक यूजर नेम सर्च करना है, जो अगर यहाँ पर अवेलेबल होगा तो तुरंत आपको बता देगा कि यूजर नेम यह अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर आपको जो अच्छा लगे वैसा यूजर नेम बनाइए। यहाँ पर देखिए मैं अपने पेज के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं एक यूजर नेम सर्च करूँगा। तो यहाँ पर देखिए अब यह यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, किसी ने यूजर नेम पहले से ही बनाया हुआ है तो यह अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ की जगह पर मैं कुछ एक और डालूँगा, वन लिख दिया। यहाँ पर देखिए यूजर नेम में अमन हाईटेक वन यूजर नेम यह अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है यूजर नेम इज़ अवेलेबल। तो अब आपको यहाँ पर सेव एंड चेंज पर ओके कर देंगे। सेव एंड चेंज पर जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर facebook.com/amanhightech1 अमन हाईटेक वन करके यह आपका यूजर नेम और आपका जो है कि कस्टम यूआरएल भी हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर सेव चेंज पर ओके करना। सेव चेंज पर जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके जो है कि प्रोफाइल का पासवर्ड पूछेगा। यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल का पासवर्ड यहाँ पर दे देना है। आपसे आपके प्रोफाइल का पासवर्ड यहाँ पर पूछा जाएगा। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने के बाद में यहाँ पर सबमिट पर आपको ओके करना है। सबमिट पर जैसे ही ओके करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर सर्च लेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्च लेकर यहाँ पर देखिए आपका यूजर नेम बता रहा है यहाँ www.facebook.com/amanhightech1 करके आपका ये यूजर नेम और आपका जो है कि कस्टम यूआरएल यही हो गया है। अब अगर आपको कभी भी चेंज करना हो तो यहाँ पर एडिट पर ओके करके आप जो है इस कस्टम यूआरएल को और यूजर नेम को आप चेंज कर सकते हैं। अब आपको आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस करना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।